एसआर क्वींस मिसेस इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, तो पारुल साथ में है। पारुल, कैसा रहा ये जो लॉन्च का जो एक्सपीरियंस था? बहुत ही बढ़िया, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब अगर ट्रेलर ही इतना धमाकेदार हो तो सोचिए इवेंट कैसा होगा। बहुत मज़ा आया, एनर्जीज बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, जो बाकी ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो ज्यूरी है, मतलब दे आर बिग नेम्स, एंड बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ मेरा नाम भी एसोसिएटेड है। और क्योंकि मेरा भी सिमिलर बैकग्राउंड रहा है तो आज बिल्कुल वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही थी बहुत बहुत जगह। फिर से रैंप पर चलते टाइम मतलब क्या क्या ख्याल मन में आए? बिल्कुल ऐसे ही ना, अभी भी एंजॉय। हाँ बिल्कुल नुपुर, मतलब आज तो ऐसा हो गया कि बिल्कुल वो यू नो कैमरा सामने सेटअप होते हैं और आप वॉक कर रहे हैं अपने डिज़ाइनर आउटफिट में और आप वहाँ जाके पोज कर रहे हैं, और जब आपको ट्रेनिंग भी मिलती है तो उसी तरीके की वो मिड रैम्प टर्न और वो सब, तो आज मुझे वो सब याद आ रहा था। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड आई थिंक जो गोवा इवेंट होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कंटेस्टेंट्स की झलक तो यहाँ देखने मिली गई है। हाँ, और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं, मतलब जिस तरह उन्होंने वॉक की और उन्होंने पोजेस दिए, और मुझे बताया गया कि ये तो दो दिन की रिहर्सल है सिर्फ, ऐसा लगा ही नहीं कि वो दो दिन की रिहर्सल थी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं कब से रिहर्सल कर रहे हैं ये लोग। सो इमेजिन अगर दो दिन के बाद वो लोग ये कर रहे हैं तो दो महीने के बाद वो क्या करने वाले हैं। आई थिंक कॉम्पिटिशन इज गोना बी टफ, सो लेट्स सी कौन क्राउन लेके जाता है। एंड द क्राउन इज सो ब्यूटिफुल, आज क्राउन की अनवेलिंग हुई, बहुत ही सुंदर। और नुपुर फिर से मुझे वो अपने क्राउन वाले दिन याद आए, तो बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड। कुछ टिप्स कुछ बोलना चाहेंगी कंटेस्टेंट्स को कि ये फॉलो करें डाइट फिटनेस? आपको तो फिटनेस क्वीन हो गई हो। आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, और स्टे फिट का ये मतलब नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, और स्टे फिट का ये मतलब भी नहीं है कि आप पतले से पतले रहें। आप एज लॉन्ग एज आप हेल्दी फील करें और आप में वो कॉन्फिडेंस रहे अपने बॉडी को लेकर, आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और हाँ, आई थिंक मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो हैं आप वही रहें। आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है और हम सब इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम उसके जैसे बने, हम उसके जैसा पहने, हम आई थिंक वो सब आप अपने दिमाग से निकाल दें। आपको जो अच्छा लगता है, आप पे जो सूट करता है, आप वो पहने। आप बिल्कुल भी किसी को कॉपी ना करें, ना बोलने के स्टाइल में, ना कुछ करने के स्टाइल में। आप जितना आप रहेंगे उतना ही आप सबसे अलग दिखेंगे, तो आई थिंक आपकी पहचान आपसे। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू पारुल।